सांची थाना अंतर्गत कामापार मंदिर परिसर में एक युवक को मारी गोली, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में मृतक का कराया गया पीएम। कल रात 8 बजे की बताई जा रही है घटना। गोली लगने के बाद उसे विदिशा के मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नाम भैया आपका? मेरा शेरू ठाकुर जी। क्या घटनाक्रम हुआ है, इनका क्या नाम था और कहां पर? ये कमापार मंदिर के पास हुआ है, उसी मंदिर पे ही हुआ है, उसी के परिसर में। हाँ। और अब किसी ने गोली मारी है, क्यों मारी है इसका तो पुलिस ही बता पाएगी, इतना तो वो नहीं है बाकी उस चीज़ की। तो अभी पुलिस से कोई चर्चा हुई है कि आप? हुई है, पुलिस लगी है कार्रवाई में। अच्छा। लगी है वो, हद तक तो ये है कि वो कह रहे हैं थोड़ा सा कंट्रोल करो, बताते हैं। कब की घटना है ये? शाम को आठ बजे की जी। अच्छा। क्या रूटीन में हमेशा जाते थे मंदिर? मंदिर जाना उनका पर डे का था, सुबह शाम। सुबह 6 बजे मंदिर आ जाते थे और शाम को 7-7:30 बजे उनका मंदिर पहुंचना रोज ही रहता था। कमापार मंदिर माता रानी का जो मंदिर है। क्या नाम है आपका? केशव ठाकुर जी। क्या घटनाक्रम हुआ है, उनका नाम क्या था और कितनी उम्र होगी? प्रहलाद राजपूत मेरा छोटा भाई था, मंदिर पूजा करने गया था, पर डे जाता था। अचानक किसी ने गोली मार दी, मोबाइल पे वो बात कर रहा है। कब की घटना है ये? 7-8 बजे। पुलिस का क्या कहना है इस मामले में, आपकी चर्चा हुई होगी? पुलिस कार्रवाई में लगी है, कर रही है जांच में। कितनी उम्र होगी भैया? 40। अच्छा, पूजा करते वक्त मारा? पूजा करने गया था मंदिर से। कौन सा मंदिर था? कमापार मंदिर। अच्छा। वहाँ से अंदर से किसी ने कॉल करके बाहर बुलाया है। हाँ। और गोली मार दी। क्या पुलिस ने मोबाइल में नंबर चेक वगैरह किया था, क्या कोई आपकी बात हुई है उससे? हाँ, मोबाइल, उसका मोबाइल जिससे बात चल रही थी वो पुलिस के पास है। किसी का कॉल आ रहा था, कॉल पे वो बात कर रहा है और किसी ने गोली मारी, वो मोबाइल पुलिस के पास ही। क्या लगता है आपको, कोई पुरानी दुश्मनी थी क्या या रंजिश थी? क्या कह सकते हैं, पुलिस निकालेगी। सर, ये जो गोली कांड हुआ है सर, कहाँ गोली मारी गई है और क्या घटनाक्रम हुआ, क्या नाम था इसका? कल रात सांची थाना अंतर्गत कमापार गांव के पास में प्रहलाद पिता भवानी सिंह राजपूत है, वो मंदिर गए हुए थे दर्शन करने के लिए। उसी दौरान कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, उसी दौरान उसका फ़ोन आके वो बाहर आया, बाहर आके बात करने लगा तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।